ये ग्लो अपने देश लौटने का है और अपनी वंदे भारत में ट्रैवल करने का है। ब्रांड न्यू अगर आप देखोगे एकदम चमचमाती सेफ्रॉन वंदे भारत। और अब वक्त है यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है वंदे भारत। तो इस रूट पर अगर आप देखो तो वंदे भारत नाउ इज द फास्टेस्ट ट्रेन। वणक्कम चेन्नई, आज की डेट ऑफ जर्नी दिस इज 2nd सितंबर, सुबह के बज रहे हैं 3:30 और करंट लोकेशन अगर आपको दिखाऊं दिस इज चेन्नई एगमोर का प्लेटफॉर्म नंबर 4। ऑफिशियली आपको बता दूं US ट्रिप के बाद मेरी पहली ट्रेन जर्नी इन इंडिया। आपको पता ही होगा रिसेंटली 3 वंदे भारत को एक साथ इनॉग्रेट किया गया जिसमें से एक है 20627 चेन्नई नागरकोइल वंदे भारत। तो मैंने सोचा भाई इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता आपके सामने एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की वर्चुअल ट्रेन जर्नी। और अगर कंपेयर किया जाए मैं था US, एक है न्यूयॉर्क पेन स्टेशन मोनिहाल ट्रेन स्टेशन अगर आपको याद हो और एक है चेन्नई एगमोर। दोनों को देखिए कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। शुरू करें? नहीं यार ऐसे नहीं, आपको स्टाइल पता तो है। बड़े दिन बाद मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं द हैशटैग इंडियन रेलवेज के साथ। और आपसे इतना ही कहूँगा सीरियसली आई मिस्ड दिस वाइब। तो आपके सामने एक और वर्चुअल ट्रेन जर्नी। अब देखो मैंने यहाँ पे लोगों से इंक्वायरी की है, लोग बता रहे हैं हमको यही नहीं पता कि भैया कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगा बिकॉज आज इस वंदे भारत की पहली कमर्शियल जर्नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। हॉलीवुड में जो आपको US दिखाया जा रहा है, वीडियोस में जो आपको दिखाया जा रहा है और जो रियल में है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपसे इन शॉर्ट इतना ही कह सकता हूँ हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया इज़ द बेस्ट। 5 बजे का डिपार्चर, 4:25 को फाइनली ब्रांड न्यू अगर आप देखोगे एकदम चमचमाती सेफ्रॉन वंदे भारत आपके सामने प्लेटफॉर्म नंबर आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अब हम हैं। आप देख लीजिए और बता दो दिस इज 16 कोचेज वंदे भारत था पूरा। आप देखिए भाई ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, देखो मैन्युफैक्चरिंग ईयर अगर आपको दिखाऊं दिस इज 24, बिल्कुल ब्रांड न्यू रैक आपके सामने। आगे की तरफ चलते जाइए दिस इज C13। जैसा आपको बताया 16 कोचेज हैं आज जिसमें मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ चेयर कार में, मेरा कोच आगे की तरफ। तो पूरा आपको इंटीरियर वगैरह सब दिखाया जाएगा भाई। ये जो ब्लैक ऑरेंज सेफ्रॉन आप कह लीजिए ये जो कॉम्बिनेशन रहता है ना ज़बरदस्त। बट यार ट्रेन को थोड़ा पहले लगा देते यार, सिर्फ आधे घंटे पहले ट्रेन को लगाया जा रहा है। अब ये कौन सा आया दिस इज C10 और बीच में यहीं पर एग्जीक्यूटिव भी मिलेगा, देखते हैं अगर एग्जीक्यूटिव में कुछ अलग देखने को मिलता है। चेन्नई से नागरकोइल के लिए अगर आप ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो ये वाला ब्लॉग पूरा देखिएगा। वंदे भारत का इंटीरियर कॉस्टिंग खाना पीना सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपको पता ही होगा, देखो अनाउंसमेंट की आप वॉल्यूम देखिए, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ वंदे भारत स्लीपर का पहला प्रोटोटाइप हम सबके सामने आ चुका है। दूसरे चैनल पर मैंने वो वीडियो डाला है, इनकेस अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है वो वाला वीडियो देखिएगा ज़रूर। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि वंदे भारत या एमट्रैक सिल्वर स्टार या एमट्रैक SLR, मैं कहूँगा एवरी टाइम वंदे भारत। भाई इस ट्रेन का कोई जवाब नहीं, मैं आपको सच में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बस यहाँ से आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं और इतने दिन बाद एक सेफ्रॉन वंदे भारत को, वो भी फर्स्ट कमर्शियल जर्नी, भाई इतना एक्साइटमेंट है कि आप पूछिए मत। बस चलिए सब एक और जर्नी की शुरुआत करते हैं, एक और धमाकेदार ब्लॉग देखिए। पूरी आप चमचमाती रैक देखिए कितना सुंदर लग रहा है वंदे भारत स्लीपर। लेट्स सी, प्रोटोटाइप तो आ चुका है, अब ऑन ट्रैक कब देखने को मिलेगी वो देखते हैं। जैसा आपको बताया ये जो वंदे भारत आप देख रहे हो दिस इज 16 कोचेज, तो आपको इसमें चेयर कार मिलेंगे 14 कोचेज प्लस 2 आपको मिलेंगे एग्जीक्यूटिव। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी की अगर आप बात करोगे तो आप मान लीजिए अराउंड 1200। ये वाला जो कोच आप देख रहे हो C7 दैट इज़ AC चेयर कार। अब थोड़ा सा मैं आपको ज़रा इंटीरियर और दिखा दूँ,
सब क्रू स्टाफ वगैरह खाना पीना लोड करता हुआ। इंटीरियर में ऐसा कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेन। देखो इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ सेम रखा है। चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, ए सी चेयर कार हो गया। मेरे को सबसे पहले आपको एग्जीक्यूटिव दिखाना, बिकॉज देखो मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ आज चेयर कार में, तो मैंने सोचा बिकॉज अभी तो सीट्स काफ़ी खाली हैं, तो मैंने सोचा आपको यस भैया खाली आपको एक एग्जीक्यूटिव का टूर दिखा दिया जाए। देख लो 2x2 का आपको कॉम्बिनेशन और वही रोटेटिंग सीट आपको मिलेंगी। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट वगैरह हो गए सब कुछ, आप देखो रीडिंग लाइट्स वगैरह यहाँ पर हो गई सब आप देखोगे। वही पैसेंजर कैपेसिटी इसकी हो गई 52। अगर आपको थोड़ा मैं और दिखा दूँ, देखो कलर वही चेयर कार में और एग्जीक्यूटिव में इन्होंने कोई भी यहाँ पर कलर डिफरेंस नहीं रखा है। अब देखो मैं तो ये कहूँगा ये सिटिंग वाली वंदे भारत हो गई, अब पुरानी आप कह लो, अब जो नई आने वाली है ना स्लीपर, एक्साइटमेंट उसको लेके। देखो हर कोच में आपको वही मिनी पेंट्री कार मिलेगी, मिनी पेंट्री कोच आप कह लो। देखो यहाँ पर ये पूरा हो गया।